हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नई मेडिसिन का रिव्यू देखेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, इसके इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट और आपकी बॉडी पर ये कैसे यूज करती है, इसे लेने के वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो ये सब रिव्यू आज हम देखेंगे। इसकी कंपनी से लेकर हम इसकी प्राइसिंग तक इसका पूरा रिव्यू देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल अभी नया है और आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एल्डोस्पास प्लस की। तो फ्रेंड्स, इस वाली टैबलेट में आपको दो कंटेंट कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। ये दो कंटेंट कॉम्बिनेशन से बनी है। एक तो है इसमें मेफिनामिक है एसिड, और दूसरा कंटेंट है इसके अंदर डाइक्लोमाइन, जो है वो एनल्जेसिक है, तो आपको आप इसे पेन किलर भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो टैबलेट है ये आपको पीरियड्स के होने वाले दर्द में, और नॉर्मली पेट दर्द होता है, आंतों का ऐंठन होता है, और जैसे आपके मांसपेशियों में तेज़ वाला दर्द होता है, ऐसे दर्द के लिए आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टैबलेट है। डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं मोस्टली पीरियड्स के दर्द में और पेट के दर्द के ऐंठन के लिए। सो फ्रेंड्स, ये जो टैबलेट है इसको यूज़ अवधि के लिए किया जा सकता है, एक टाइमिंग के लिए। आप इसे रेगुलरली यूज़ नहीं कर सकते। जितने भी टाइमिंग के लिए आपको डॉक्टर ये लिख कर देते हैं, आपको उतने ही टाइम के लिए इसे लेना है। ज़्यादा यूज़ करने से आपकी बॉडी पर हार्मफुल इसके इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके जो भी साइड इफ़ेक्ट है वो कॉमन से है, जैसे चक्कर आना, मुंह में सूखापन होना, धुंधली नज़र, नींद आना और घबराहट। तो आप इसे, हल्की सी नींद आ सकती है तो ड्राइविंग के दौरान इसको अवॉइड करिएगा। अल्कोहलिक लोगों के लिए भी ये असुरक्षित है, क्योंकि इसे लेने के बाद अगर आप ड्रिंक करते हैं और खाने का आपको ध्यान नहीं रहता, तो ऐसे में आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसकी डबल डोज ना लें, और इसे समय पर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डबल डोज लेने से आपको इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, तो आपकी दिन में अगर दो डोजेस आप ले रहे हैं, तो एक डोज अगर किसी भी वजह से आपकी छूट जाती है तो उसको डबल करने की कोशिश मत करिएगा। उस डोज को आप पूरी तरह से स्किप कर दीजिए। किडनी लीवर के जो भी पेशेंट्स हैं, इसको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पेशेंट थोड़ा सा ध्यान रखे, और पेट की किसी भी परेशानी से बचने के लिए, जैसे कब्ज है, दस्त है और अपच है, इस तरह की परेशानी से बचना चाहते हैं, तो आप इसको खाने के साथ लीजिए। ये बिना खाए भी ली जा सकती है, लेकिन फिर पेट में ये प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देंगे, जैसे कब्ज है, अपच है, तो इसे खाने के साथ लेना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एल्डर कंपनी की आ रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एल्डर कंपनी की है, और इसकी MRP की बात करें तो 36 रुपीज़ 10 टैबलेट्स की इसकी MRP आ रही है। तो अभी भी ये एक्सपायरी में चालू है, तो हो सकता है कि आज आपको इतनी कीमत मिले और बाद में इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव आप देख सकते हैं इसकी प्राइसिंग में। सो फ्रेंड्स, इसके सभी इफेक्ट, साइड इफेक्ट मैंने आपको बता दिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और किसी भी मेडिसिन का रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल पर आप हमेशा आते रहिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।